दोस्तों आप लोगों ने YouTube पर देखा होगा कि भाई किसी का चैनल 10 वीडियो के बाद ग्रो हो जाता है, किसी का चैनल 50 वीडियो के बाद ग्रो हो जाता है, और किसी का चैनल 100 वीडियो के बाद ग्रो होता है, और किसी का चैनल भाई 200 वीडियो अपलोड करने के बाद भी नहीं ग्रो होता, और किसी का तो चैनल भाई 500 1000 वीडियो अपलोड करने के बाद भी उसका चैनल ग्रो नहीं होता। तो ऐसा क्यों भाई कोई कोई यूट्यूबर 10 वीडियो पर ग्रो हो जा रहा है? एग्जाम्पल के तौर पर आप मेरे चैनल को देख लीजिए, मेरा जब न्यू चैनल था तो तकरीबन 10 से 15 वीडियो अपलोड थी, तब से मेरा चैनल ग्रो होने लगा था। तो आखिरकार यूट्यूब पर कितनी वीडियो अपलोड करने के बाद हमारा चैनल ग्रो होगा? आप जिस चैनल पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं 1000 सब्सक्राइबर चार्जर वॉच टाइम घंटा कंप्लीट करने के लिए और अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, वो यूट्यूब चैनल आपका कितनी वीडियो डालने के बाद ग्रो होगा? आप वीडियो तो डालते जा रहे हो, डेली मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन ना आपका व्यूज आ रहा है, ना सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, और आपको यही नहीं पता कि आपका वो यूट्यूब चैनल कितनी वीडियो अपलोड करने के बाद ग्रो होगा। तो आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आपका यूट्यूब चैनल कितनी वीडियो अपलोड करने के बाद चैनल ग्रो होता है। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट के साथ साथ नॉलेजबल भी होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने पर दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों यहां पर मेरा थोड़ा तबीयत भी गड़बड़ है, तो थोड़ा मेरा आवाज वॉल्यूम दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए चैनल कितने दिन में ग्रो होता है, इसके बारे में थोड़ा लेट में बात करेंगे। पहले ये बात करते हैं कि यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए क्या क्या चीज होना चाहिए, कैसा हमें वीडियोज अपलोड करना चाहिए, किस टाइप से हमें अपने चैनल पर काम करना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपको अपने YouTube चैनल पर प्रॉपर तरीके से जिस भी कैटेगरी का चैनल हो वैसा आपको अच्छा कंटेंट अपलोड करना चाहिए, अपने वीडियो का एक थंबनेल प्रॉपर बनाना चाहिए ताकि आपकी ऑडियंस या फिर कोई भी बंदा आपकी वीडियो पर क्लिक करे, आपके वीडियो को वॉच करे। इसके बाद आपका वीडियो प्रॉपर होना चाहिए, आप उस वीडियो में किस टाइप से समझा रहे हैं, जो भी कैटेगरी हो जो भी कॉन्टेंट हो उसके हिसाब से आप एक परफेक्ट होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपके वीडियो का टाइटल टैग्स डिस्क्रिप्शन ये पूरा SEO एक प्रॉपर होना चाहिए, एक परफेक्ट होना चाहिए, और इसी के साथ साथ आप अपने YouTube चैनल पर कंसिस्टेंसी के साथ काम करते होना चाहिए। अगर आप लोग एक दिन में एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो फिर आपको अपने चैनल पर डेली एक वीडियो अपलोड करना ही करना है। अगर आप लोग डेली दो वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो फिर आपको अपने YouTube चैनल पर डेली दो वीडियो अपलोड करना ही करना है। और अगर आप लोग इतनी चीज़ों को फॉलो करते होते हो तब जाके आपका आने वाले टाइम पर चैनल ग्रो होता है। जब आप लोग इन सारी चीज़ों को फॉलो करके एक परफेक्ट तरीके से आप अपने YouTube चैनल पर काम कर दो तब जाके आपका वह अपना YouTube चैनल आने वाले टाइम पे ग्रो होगा। लेकिन अब यहाँ पर कंफर्म करते कि आखिरकार YouTube पर हम वीडियो तो बना रहे हैं लेकिन कितनी वीडियो अपलोड करने के बाद चैनल ग्रो होगा, ये भी तो जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि बस वीडियो डालते जा रहे हैं कोई पता ही नहीं। आप तो ये सोच रहे हैं कि वीडियो वायरल होगा चैनल ग्रो होगा, लेकिन भाई कब, तो वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर्स होंगे जिनको आप लोगों ने देखा होगा 200, 300, 500 वीडियोज को अपलोड किया होगा बट उनका चैनल अभी तक नहीं ग्रो हुआ, क्यों? उसका पहले रीजन जानते हैं। दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर यूट्यूब पर बहुत दिनों से काम कर रहे हैं लेकिन वो सही तरीके से सही चीजों को समझकर अपने चैनल पर नहीं काम कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी मिस्टेक गलतियां जो कि वो अपने चैनल पर करते हैं बट उस टाइम पे आप हो या फिर जो यूट्यूबर हो उसको नहीं लगता कि मैं अपने चैनल पर यह गलती कर रहा हूं। आप लोगों को लगता है मैं बहुत प्रॉपर तरीके से काम कर रहा हूं बट मैंने आपको पहले ही बताया कि यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए आपके वीडियो का टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन थंबनेल प्रॉपर कंटेंट वीडियो सारा कुछ एक अच्छा होना चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ आप अपने यूट्यूब चैनल पर काम करते होना चाहिए तब जाके आपका आने वाले टाइम पे चैनल ग्रो होगा। बट वो लोग जो 200, 300, 500 वीडियोस को अपलोड कर रखते हैं वो भाई इन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, कोई भाई वीडियो नहीं डालता, कहीं 2 महीने के लिए गायब हो गए, कहीं 3 महीने के लिए गायब हो गए, कोई कोई थंबनेल नहीं बना पाता, कोई कोई SEO ही नहीं कर पाता, अच्छा कंटेंट ही नहीं अपलोड कर पाते, दूसरे का देखा कि भाई वो इस टाइप से वीडियो बना रहा हम भी बना के डाल दिए। तो इस टाइप से जो कोई YouTube पर काम कर रहा है तो भाई वो 200 वीडियो डाले चाहे 500 वीडियो डाले उसका अभी कोई भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि YouTube पर जब आप लोग आइए तो सबसे पहले सीखिए कि आखिरकार हम जिस चैनल पर जिस कैटेगरी पर काम करने जा रहे हैं उस कैटेगरी पर हमें किन तरीकों को फॉलो करके काम करना है ताकि आने वाले टाइम पर मेरा चैनल ग्रो हो सके। और अब आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जो 10 वीडियो पर 20 वीडियो पर चैनल ग्रो हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं अपने से ही बता देता हूँ कि मेरा ये YouTube चैनल मान लीजिए 10 से 15 वीडियो के बाद ग्रो होने लगा था, तो यहाँ पर मेरे पास क्या था, मैं आज के पहले भी 1.5-2 साल YouTube पर काम कर चुका, मेरे को पता चल गया था कि भाई वीडियो पर टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन अच्छा होना चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ YouTube पर काम करना चाहिए, थंबनेल अच्छा होना चाहिए और वीडियो एक प्रॉपर होना चाहिए, कॉन्टेंट अच्छा होना चाहिए, ये सारा कुछ मैं समझ गया था बिकॉज मैं 1.5-2 साल YouTube पर काम कर चुका था। फिर उसी के बाद मैं जब ये YouTube चैनल ओपन किया तो फिर
दोस्तों मैंने सही तरीके सही चीजों को फॉलो करके यूट्यूब पर काम करना शुरू कर दिया, चैनल बूस्ट हो गया। और बहुत सारे लोग जो 200 वीडियो अपलोड करते हैं वो भाई इन्हीं चीजों को फॉलो नहीं करते, परफेक्ट तरीके से काम ही नहीं कर पाते, क्योंकि भाई वो खुद सीख कर दूसरों को देख कर यूट्यूब पर काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूं कि यूट्यूब पर कोई भी ऐसा फिक्स नहीं है, ना ही कोई ऐसा रूल है कि इतनी वीडियो अपलोड करने के बाद आपका चैनल ग्रो हो जाता है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर फिक्स है कि अगर आप लोग परफेक्ट हैं, आपको इन सारी चीजों का नॉलेज है, आप सही तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर काम करते हैं तो वो यूट्यूब चैनल आपका जल्द से जल्द ग्रो होगा। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे चैनल आपने देखे होंगे 10 से 15, 20, 30 वीडियो के बाद चैनल ग्रो हो जाते हैं। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही था कि आप जिस भी कैटेगरी पर जिस भी चैनल पर काम कर रहे हैं उस कैटेगरी के उस चैनल के बारे में सीखिए, तरीकों को समझ कि किस टाइप से हमें किस तरीके से अपने चैनल पर काम करना है, कितनी वीडियो अपलोड करनी, कैसे थंबनेल बनाना है, कैसे टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन लगाना है। और जिस दिन आप लोग ये सारा चीज में परफेक्ट हो जाएंगे उसी दिन आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूं कि यहाँ पर कोई भी डेट फिक्स नहीं है, जिस दिन आप परफेक्ट हो जाओगे, अच्छे तरीके से अपने चैनल पर काम करने लगोगे उसी दिन आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको लगता होगा कि मैं अपने चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ, डेली वीडियो भी डाल रहा हूँ, थंबनेल भी अच्छा बना रहा हूँ, फिर भी चैनल नहीं ग्रो हो रहा। तो बट ये आपकी गलत फहमी। जब मैं भी आज के 1.5-2 साल पहले वाले चैनल पर काम कर रहा था उस टाइम पे मेरे को लग रहा था कि मैं बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ। बट ये आपकी गलत फहमी होती है, आपके चैनल पर आपके अंदर कोई ना कोई कमी होती है, उसको सुधारिए, सीखिए और अच्छे तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ काम करिए, आपका भी आने वाले टाइम पर चैनल ग्रो होगा। तो आई होप दोस्तों आपका डाउट क्लियर हुआ होगा कि आखिरकार यूट्यूब पर कितनी वीडियो अपलोड करने के बाद चैनल ग्रो होता है। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ बहुत सीखने को मिला हो तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड मेरे चैनल को अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज दोस्तों अपना छोटा भाई समझ के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक ले दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।